वही तो मैं कह रही हूँ, ये सियासतदानों को समझना चाहिए, हम तो समझ ही रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये कयामत है, जाहिल अगरचे, ये भी तो आसार कयामत के हया, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए, ये है सुनिएगा। जाहिल अगरचे, ये भी तो है आसार कयामत के ए हया, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। सुनिएगा, अभी तलक तो यही सुना था बड़ी सियासत गंदी है, लेकिन अब ऐसा लगता है ये बिल्कुल ही अंधी है। खूब बोलती है लेकिन आंखों पर काला चश्मा है, एक हाथ में लड्डू है और दूजे हाथ तमंचा है। अगर ये मुस्लिम औरत के हक की आवाज उठाती है, पर नजीब पहलू की अम्मी नजर नहीं क्यों आती है। कितनी साजिश कर ले इंसान उसकी प्लानिंग बेहतर है, कितनी साजिश कर ले इंसान उसकी प्लानिंग बेहतर है। अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। आंखें अंधी हो या ना हो, दिल तो इनका अंधा है, इसीलिए सबको भड़काना इनका गोरख धंधा है। मस्जिद से आती आवाजें इनको नहीं सुहाती हैं, इससे भी ऊंची आवाजें लेकिन इनको भाती हैं, इससे भी ऊंची आवाजें लेकिन इनको भाती हैं। चीख सुनाई देती है क्या इनको लुटती बच्ची की, एक किसान के बच्चे की, सैनिक की, बेवा बीवी की। इनके दिल की धड़कन खुद नफरत का लाउड स्पीकर है, अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। अब जो हम लोग महसूस करते हैं, जो आपने कहा है, अजा आरती शब्द कीर्तन भारत की जागीरें हैं, सुबह शाम के वरक पे लिखी पाकीजा तहरीरें हैं। यही एकता और मोहब्बत अपनी है पहचान, मगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब मिलजुल कर। अपने घर की दीवारें जो साउंड प्रूफ बनवाते हैं, एसी में सोने वाले जाने कैसे जग जाते हैं। गुंडागर्दी करते हैं आवारा लोफर और जोकर, अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर, अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर खून बहाते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाये माँ की खातिर खून बहाते हैं। मासूमों का लहू बहाए वो गुंडा कहलाता है। अब सुनिएगा, अभी एक आपने देखा होगा कि जो जवाब देने की कोशिश की थी, जिसने अजाम पे आरोप लगाया, उसको ये नहीं पता कि मैंने जो किया वो कब किया जाता। सुनिएगा, मासूमों का लहू बहा, सुनिएगा, घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाये माँ की खातिर लहू बहाते हैं। मासूमों का लहू बहाए वो गुंडा कहलाता है, कोई सोनू को समझा दे सरगम मुंडा जाता है, कोई सोनू को समझा दे सरकब मुंडा जाता है। सबसे पहले दी बिलाल ने अजा उसी को कहते हैं, जो रसूल की करे गवाही बयां उसी को कहते हैं। जिसको मजहब से नफरत वो शैतान से भी बदतर है, अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर। अब वजह बता रही हूँ, ये हैं कुछ खुद गर्ज लोग जो अब चमचे कहलाते हैं, ये हैं कुछ खुदगर्ज लोग जो अब चमचे कहलाते हैं। खबरों में रहने की खातिर ये कुछ भी कर जाते हैं, इनको जब कोई ना पूछे ट्विटर पे ये आ जाते हैं, जो भी नेता बोले उसकी हाँ में हाँ कर जाते हैं। जो भी, अब देखिए फिर फर्क बता रही हूँ अगले दो मिसरों में, जो भी नेता बोले उसकी हाँ में हाँ कर जाते हैं। जो केवल रब को पूछे वो असल भक्त कहलाता है, पर जो इंसान को पूछे वो अंधभक्त कहलाता है। जो केवल रब को पूछे,
वो असल भक्त कहलाता है। जो इंसान को पूजे वो ही अंध भक्त कहलाता है। दे देते नेता इनको ऊंचे ओदे फिर खुश होकर, अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर, अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। आखिरी मिसरा देखिए। ख्वाब दिखाया था अल्लाह ने कैसे हमें जगाना है, तुम्हें कामयाबी की जानिब किस तरह बुलवाना है। ख्वाब दिखाया था अल्लाह ने कैसे तुम्हें जगाना है, तुम्हें कामयाबी की जानिब किस तरह बुलवाना है। सुबह इबादत करने जाना क्या ये गुंडागर्दी है, अपने रब की ओर बुलाना क्या ये गुंडागर्दी है, अपने रब की ओर बुलाना क्या ये गुंडागर्दी है। पशु परिंदे सो जाए तब पशु परिंदे जग जाए तब कोई सोने जाता है, नींद से बेहतर फज्र नमाजें ये इस्लाम सिखाता है। तुम भी जाओ मंदिर में कुछ पुण्य कमाओ मुंह धोकर, अजा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही।